बैजनाथ के कांग्रेस विधायक किशोरीलाल शर्मा ने हजारों कार्यकर्ताओं सहित शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा व मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल की मौजूदगी में 12:15 बजे निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बैजनाथ डॉक्टर मुरारी लाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हजारों कार्यकर्ताओं में ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला मोर्चा, अन्य सभी कांग्रेस के संगठनों तथा चुनाव क्षेत्र में आए लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे बाजार में जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए चुनाव अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। बाद में मेला ग्राउंड में भारी जनसभा की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा तथा उनके साथ आए मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल ने शिरकत की। विधायक किशोरी लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2012 के चुनावों में आपकी बदौलत विधानसभा पहुंचा था और इस बार पुनः मुझे अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले चुनाव में क्षेत्र का दौरा किया, उस समय लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था तथा उन समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अधिकतर समस्याओं का निदान किया गया तथा अधूरे कामों को पूरा करने का वादा करता हूं। इस दौरान पिछले 5 वर्षों में विकास कार्यों पर विस्तार से जनसभा को अवगत करवाया गया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर कई तंज कसे। के मेरे आज जो मेरा नामांकन पत्र दाखिल किया है उसे बढ़वाने के लिए आए हैं। मेरी हौसला अफजाई आपने की है, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जनपुर विधानसभा में भेजा और जब मैं वोट मांगने के लिए पूरे चुनाव क्षेत्र में गया, जहाँ जहाँ जो कमी थी वो तो कंप्यूटर मेरे दिमाग में बैठ गई और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय राजा वीर भद्र सिंह जी की कृपा से जो कुछ मैंने मांगा राजा साहब ने मेरी झोली भर दी। इस चुनाव क्षेत्र में विकास की झड़ी लग गई, 1 अरब रुपए से ऊपर। मैं कहता हूं धन्य है राजा वीर भद्र सिंह जी, जिन्होंने ऐसा क्रिसमस करके दिखाया। उस किताब को हम घर में मिल जाएंगे। विकास का जो यान यान स्थापित हुए, जो विकास 5 वर्षों में हुआ, हर घर में उस लिस्ट को पहुंचाएंगे। किसान की तरह खड़ा रहूंगा राजा साहब के साथ और जो उन्होंने विकास के लिए आज नहीं, जब से स्वर्गीय पंडित सांताराम जी ने 1972 में, मुझे मालूम है 1972 से पहले बैजनाथ में क्या था, क्या उन्होंने को बैजनाथ के लिए दिया? कुछ नहीं। लेकिन जो चुनाव आएंगे प्राप्त हो जाएंगे। इसने क्या दिया लोगों को? झूठ से ठगा कि हमें सजा दे दो, हम विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख जमा करवा देंगे। क्या किसी को 15 पैसे आए? शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है, जिससे बैजनाथ में किशोरी लाल को जीत आपकी अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पूरे चुनाव क्षेत्र विकास के कारण बैजनाथ एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री विभद्र सिंह बैजनाथ दौरे के दौरान विधायक द्वारा रखी सभी मांगों को पूरा किया था। इस बार वे 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें किशोरी लाल की विशेष स्थान होगा। उन्होंने किशोरी लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे ईमानदार छवि वाले पुरुष हैं तथा पंचायती राज से लेकर विधानसभा तक कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे विधायक किशोरीलाल के साथ काम करें, अन्यथा वे कांग्रेसी नहीं होंगे। नामांकन पत्र भरवाया है। आज प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, इस तरह का माहौल पैदा हुआ जो पिछले 5 वर्ष में विकास के कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हुए, कि आज कांग्रेस पार्टी फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और उसमें बैजनाथ की एक अहम भूमिका होगी। किशोरी लाल जी दोबारा यहां से जीत करके जाएंगे और ये केवल किशोरी लाल जी को आपके सहयोग और समर्थन का वोट नहीं है, ये हम सब कांग्रेसजनों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में जीतती आई है और जो भी विकास के कार्य यहां पर हुए,
छोटे से लेकर बड़े कार्य तक वो कांग्रेस पार्टी के समय समय के जो कार्यकाल रहे हैं उस दौरान बैजनाथ की जो विकास की रूपरेखा है उसका नक्शा बदला। आज बैजनाथ प्रदेश के जो विकसित चुनाव क्षेत्र है उनमें इसका नाम आता है। यही मंच था यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे इधर जनसभा हो रही थी, किशोरी लाल जी ने यहां से बहुत सारी मांगे रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको तो मंजूर किया लेकिन साथ में कहा कि इसके जनसभा खत्म होने के आधे घंटे तक जो आप सोचेंगे वो भी मंजूर है। ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा नेता मैं नहीं समझता कि किसी प्रदेश को कभी मिला होगा। रहा है पार्टी ने सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में उनको घोषित किया है। पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। उसका कारण क्या है, काम हुए वो है। दूसरा, जो तीन वर्ष पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उस समय भी मैं सबको कहता था कि इनको वोट मत देना, ये कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जहां जहां मैं जाता था हमारी माताएं बहने सब कहती थी कि सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, दाल सस्ती हो जाएगी, राशन, वोट जो है वो कीमती है, उसकी अहमियत को पहचानकर अपने साथ बाकी लोगों को भी जोड़ करके इनको भारी कामयाबी यहां से देनी है। एक ईमानदार व्यक्ति जिसने हमेशा पंचायती राज से लेकर के आज विधानसभा तक जो पहुंचे हैं कोई व्यक्ति इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, होती है और ऐसे नुमाइंदे बहुत कम चुनाव क्षेत्रों को मिलते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं और आज मैं यहां पर नामांकन के दिन आया हूं। बीच में जब ये कहेंगे दोबारा जो और जनसभाएं होंगी उनमें भी आऊंगा और कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि इनके साथ कोई भी कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का मन मुटाव रहेगा। बैतनाथ से एसटूडी के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट।